हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं टेक्स्ट बिहाइंड कैरेक्टर कैसे करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको एलाइट मोशन ओपन करके अपना क्लिप ऐड कर लेना है। अब वेक्टर ड्राइंग पे जाके अपने कैरेक्टर का एक शेप बना लेना है। कुछ इस तरह से पॉइंट लगा के आपको एक शेप बना लेना है। शेप बनने के बाद आपको बैक आ जाना है और शेप को एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको शेप पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और एक पॉइंट लगा देना है और फिर थोड़ा आगे जाके और एक पॉइंट लगा के शेप को कैरेक्टर के हिसाब से एडजस्ट करना है और फिर थोड़ा आगे जाके और एक पॉइंट लगा के शेप को एडजस्ट कर लेना है। कुछ इसी तरह आपको पॉइंट लगा के शेप को कैरेक्टर पर एडजस्ट करके रखना है। अब क्लिप का एक डुप्लीकेट लेयर ले लेना है, फिर क्लिप और शेप को मर्ज कर देना है। अब आपको टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट एनिमेशन का प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेक्स्ट एनिमेशन वाले प्रोजेक्ट में जाके आपको टेक्स्ट के इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। और बैक आके इसके इफेक्ट में जाके पेस्ट कर देना है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं तो मेरा डायलॉग याद ही होगा आपको।